नहमद हुआनसली रसोलह करीम अम्म बााउज बिल्लिमिनशौरजीम बसमिल्लर रहीम आज यकम सफ़रमुमज़फ़र सन चौदह सौ चौतालीस हिजरी मा सफ़र इस्लामी कमरी कैलेंडर के, के हवाले से दूसरा महीना है यानी इस्लामी साल का दूसरा महीना सफर सफ़रमफ़र है इस सफर मज़फ़र के हवाला से लोगों के अंदर मख्तल तोहमा मख्तलफ़ रिवाजात मशहूर हैं तो आज की इस नशस्त के अंदर इनशा अज़ीज़ माह सफ़र के हवाले से कुछ न कुछ गुफ्तू करेंगे अल्लाह करीम शर सदर फरमाए ये बात समझ लें कि इस महीना के अंदर शरीय मत ने मतहरा ने लोगों के लिए ना कोई ख़ास इबादत मुकरर की हैं और ना ही इस महीना के अंदर किसी चीज़ से रोका है कि इस महीना में ख़ास इबादत की जाएँ ख़ास नवाफिल पढ़े जाएँ ख़ास तिलावत की जाए ज़िक्र किया जाए ऐसी कोई चीज़ नहीं है शरीत मतहरा ने ऐसी कोई चीज़ मुकर नहीं फरमाई और ना ही कोई ख़ास परस्ती की तालीम दी है मगर बदकस्मती से हमारे कुछ लोगों के ख़्याल नौज़ बिल्ला इस महीना के मामले में बड़े अजीब अजीब हैं इस महीना को नहुसत वाला महीना समझते हैं इस महीना को बदब्ती का महीना समझते हैं इस वजह से इस महीना के अंदर शादी वगैरह और बाक़ी कई खुशियाँ लोग नहीं मनाते कि ये महीना नहुसत वाला है तो ये बात याद रखें दिन और महीने ये वार हर चीज़ अल्लाह और अल्लाह के अकाम के मुताबिक चलती है हर चीज़ हर महीना हर दिन हर रात हर लम्हा हर घड़ी अल्लाह के बनाई हुई है अल्लाह ने बनाई है तो कोई ऐसी चीज़ नहीं कोई ऐसा दिन नहीं कोई ऐसी घड़ी नहीं जो नहुसत वाली हो जिसमें इंसान के लिए कोई परेशानी हो जो की कीमत हो ये सारे ख्यालात बिल्कुल बेबुनियाद हैं सफ़र के मामले में सिर्फ आज की बात नहीं है बल्कि हुजूर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना से पहले भी लोग तवह पर शिकार थे हजूर सलाम के ज़माना से पहले भी मश्रक इस महीना को नहुसत वाला महीना समझते थे इस महीने में अजीब व गरीब किस्म के काम हमारे माशरे में मशहूर हैं और यही उस दौर में भी थी हजूर आलमल्लाम की तशीरवरी से पहले इसको मनू समझते हुए इसके पहले पहले तेरह दिनों को तो बहुत ज़्यादा मनू समझा जाता है और उन्हें तेरा तेज़ी के नाम से लोग पुकारते हैं कि ये पहले तेरह दिन बड़े तेज़ हैं और इस महीना की नहूसत से बचने के लिए लोग क़ुर मुकद्दस की क़ुरान खानी करवाना कुरान मुकद्दस की तिलावत करवाना एक ख़ास रिवाज बना हुआ है इस तरह इस महीना में जिन्नास से हिफाजत के लिए ख़ास आमाल किए जाते हैं इस तरह इस महीना के अंदर सफ़र से लोग इतनाब करते हैं लोग सफ़र नहीं करते कि मन हाउस महीना है ये ना हो कि सफ़र करने के की वजह से हमें नुकसान हो जाए इस तरह इस महीना को औरतों की बजाय मर्दों पर ज़्यादा भारी समझा जाता है और इसके आखिरी बुध जब आती है माए सफ़र का आखिरी बुध जब आता है तो लोग खुशी मनाते हैं मिठाइयाँ बाँटते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि ये महीना नौ महीना गुजर गया है। तो ये सारी तबाहम परस्तियाँ जो आज मशहूर हैं इनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं शरीत मतहरा के साथ कोई ताल्लुक नहीं नबी सलाम के दीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं हज़ूर की अहादीस हज़ू के आमाल के साथ कोई तल्लुक़ नहीं बल्कि बिल्कुल बेबुनियाद चीज़ें हैं जो हमने मन गणत ये पुरानी मश्रक के रवायात को लेते लेते आज तक हमारे अंदर ये मशहूर है और भाई असल बदबख्ती असल मनहूसत नहूसत तो हमारे अमाल की होती है असल मनहूस तो बदआमालियाँ होती हैं असल नहूसत तो गुनाहों की होती है असल नहूसत तो गुनाहों की बदआमालियों की बेनमाजी की नहुसत होती है जना की नहसत होती है बदकारी की नहुसत होती है चोरी गिबत झूठ। अगर एक एक की अदीस की रोशनी में इनकी बयान की जाए तो काफ़ी टाइम चाहिए बदआमालियों का गुनाहों की नहुसत तो है लेकिन अल्लाह के किसी दिन के साथ नहुसत को या अल्लाह के किसी दिन को ग़लत कहना ग़लत समझना ये बिल्कुल झूठ और इफ्तरा है इससे बचना चाहिए इसमें लोग खुशियाँ नहीं मनाते शादियाँ नहीं करते अभी मुहर्रम अल हराम गुजरा है मुहर्रम में भी लोग ख़ुशियाँ नहीं मनाते शादी ब्याह शादी ब्याह नहीं करते लेकिन ईमानदारी से बताएं, इस मुहर्रम अल हराम में दस अल हराम के दो तीन दिन बाद पाकिस्तान में चौदह अगस्त मनाया गया क्या चौदह अगस्त के ऊपर ये छुर्लियाँ पटाखे नहीं बजाए गए नाच गाने नहीं किए गए बाजे नहीं बजाए गए भई अगर मुहर्रम हराम में नाच गाने और बाजे बजाना शुरलियाँ पटाखे करना ख़ुशियाँ मनाना अगर जुर्म है हराम है तो फिर चौदह अगस्त का एहतराम इस तरह नहीं करना चाहिए था माह मुहर्रम का हम भूल गए जो शरीयत के मुताबिक हुक्म हैं हम उनको भूल जाते हैं जो शरीयत के हट शरीयत से हट करके होते हैं हम उनको पकड़ लेते हैं इस वजह से हमारी ज़िंदगी में तंगियाँ परेशानियाँ मुसीबतें मुश्किल क्योंकि हमने शरीत मतहारा से बगावत करके ज़िंदगी गुजारी हुई हम शरीत से बागी होकर शरीत की इनकार करके शरीत को शरीत को अपने ताबे करके चलते तभी हमारी ज़िंदगी में मुश्किल तो मेरे दोस्तों इन सारी तोहमात से इन बदशोनीों से इन बदब्त समझने समझने को इसको गलत समझने को बिल्कुल परहेज करना चाहिए जितना हम शरीयत मतहर के करीब होकर के ज़िंदगी गुजारेंगे उतना हमारी ज़िंदगी में अल्लाह और अल्लाह के रसूल वसल्लम के अहकाम और तो बरकतें आएंगी अल्लाह अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए